रायगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बलिदान दिवस पर नगर स्थित स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उनके योगदान को याद कर उन्हें अश्रुतिपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। आज रायगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर कांग्रेस जनों द्वारा उन्हें अश्रुतिपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय व इंदिरा नगर स्थित स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया व उनके योगदान को याद किया। आज कांग्रेस पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्प मालाओं से अपनी प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर नमन करने पहुंचे कांग्रेसियों ने आज उनके बलिदान को याद किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी आयरन लेडी के रूप में विश्व विख्यात है। कांग्रेस सरकार में लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला होने का सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इंदिरा जी की पुण्यतिथि के इस पावन दिवस पर सबसे पहले हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद हम लोग यहाँ इंदिरा नगर में जहाँ उनकी प्रतिमा है वहाँ पर आए हैं और यहीं पे हम लोगों ने सबने उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी है। इंदिरा जी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और बहुत ही साहसी थी। उनके बारे में उनके विरोधी भी ये कहते थे कि वो लौह महिला हैं। तो ऐसी महिला की पुण्यतिथि पर हम महिलाएँ पुण्यतिथि का श्रद्धांजलि अर्पित कर गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमारे महिलाओं की प्रेरणादायक थी। वो महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। देश में महिलाएं जिस मुकाम पे आज पहुंची हैं ये सब इंदिरा जी की ही देन हम मानते हैं और इसी तरह से उनके पुण्यतिथि पर और उनके जन्मदिन पर महिलाएं सभी उनको याद करते हैं और उनके कि दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए हम लोग पुण्यतिथि आज मना रहे हैं और इसके बाद हम लोग और कई मोहल्ले में जाके बच्चों के बीच में पुण्यतिथि के अवसर पर कुछ कार्यक्रम करेंगे। आज हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम कांग्रेस जनों द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी में देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री का आज पुण्यतिथि था और साथ ही साथ हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती थी। दोनों हमारे देश के महान नेताओं को आज उनके स्मरण किया गया और साथ ही साथ उनके तैल चित्रों पे पुष्प अर्पित कर तत्पश्चात आज इंदिरा जी की जो उनके नाम से इंदिरा नगर पे जो उनकी प्रतिमा है आज सभी कांग्रेसजन आकर उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके द्वारा जो आज देश में जहाँ तक गरीबी हटाओ का नारा उनके द्वारा ही दिया गया था और देश के ऐसे पहला प्रधानमंत्री रही पूरे विश्व पटल पे उन्हें शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। आज भी प्रदेश में जो भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है वो इंदिरा जी की ही देन है और वास्तव में आज उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरे कांग्रेसजन ने संकल्प लिया कि इंदिरा जी के बताए मार्ग पर चलेंगे। इसी संकल्प के साथ आज उन्हें सभी कांग्रेसजनों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।